हम कक्षा 10वीं में हमारा पर्यावरण अध्याय 15। आपको ध्यान रखना कि 14 और जो 16वां पाठ है वो आपके इस साल के लिए पाठ्यक्रम में से हट गया है। तो आपने 14 पाठ मैंने नहीं पढ़ाया है, ऊर्जा वाला पाठ है वो पूरा निकल गया है। अब हम 15 पाठ में हमारा पर्यावरण, इसका पार्ट वन मैंने पढ़ा दिया था, इसका पार्ट टू देखेंगे कि हमारे पर्यावरण में कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो हम देखते हैं कि उन प्रदूषण क्यों हो रहा है, उसको हमें रोकना है। तो हमारे जो कार्यकलाप हैं तो उसमें से एक है मेन ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? वो उसका अपक्षयित हो रहा है। अपक्षयित मतलब वो खराब हो रही है, तो हमें उसको नष्ट होने से बचाना है, क्योंकि जो ओजोन परत है ये हमारे लिए लाभदायक है। और दूसरा है कचरे का निपटान करना, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे चारों ओर फैलते हैं पर्यावरण में मानव क्रिया कलापों से, कृषि से, आप घर में कचरा निकालते हैं, तो उनसे हमें कैसे निपटना है। तो यहाँ पर हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहला पढ़ेंगे ओजोन परत तथा या किस अपक्षयित मतलब खराब होना। अपक्षयित मतलब तो जो वायुमंडल में ये जो ओजोन परत है उसका सूत्र है O3। ये O3 ओजोन का क्या है? ओजोन एक गैस है। किस अवस्था में है ये? गैस। और इसका जो सूत्र है O3, मतलब इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तीन। ऑक्सीजन के इसमें तीन परमाणु होते हैं, और ऑक्सीजन का सूत्र तो आपको मालूम है, O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। इसमें हमेशा ये द्वि परमाणुक अणु होता है, ये ऑक्सीजन गैस है। तो क्या होता है, ये जो O3 है ये हमारी वायुमंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है। तो ये क्या करती है, पूरे वायुमंडल में जो ऊपर की ओर ये फैली हुई रहती है, और जो सूर्य होता है उससे आने वाली परावैजनी, ये जो ओजोन परत है ये, तो सूर्य से आने वाली परा बैगनी किरणें, परा बैगनी किरणों को क्या करता है? रोकता है। परा बैगनी किरणों को हम बोल सकते हैं UV। ये O3। तो जैसे जो परा बैगनी किरणें, मान लो ये वो परत में छेद हो गए हैं, मान लो बीच बीच में कहीं क्या हो गए, छेद, तो ये किरणें क्या होती हैं? वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। और जो हमारी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को जो यूवी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं उसकी परमाणु अवस्था में। और ये जो परमाणु अवस्था वाला जो ओ है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? O3। तो ये ओजोन परत वास्तव, जो ओजोन गैस है वो तो विषैली गैस है, ओजोन गैस है वो क्या है? एक विषैली गैस है, लेकिन ये रक्षा करती है, किसको रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो इस प्रकार ये ओजोन गैस बहुत क्या कहना चाहिए, ये सुरक्षा कवच है, वायुमंडल का क्या है? सुरक्षा कवच है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ओजोन परत का अपक्षयित होने से हमें रोकना है। कि अब ये खराब क्यों होती है, क्योंकि जो पृथ्वी है इस पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकल रही हैं। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें कहाँ से निकल रही हैं? जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर हैं, कोई विशेष प्रकार के स्प्रे हैं, पेंट हैं, ये इनसे फ्रिज से निकलती है।
वर्तमान में जो फ्रिज बन रहे हैं उस पे रोक लगा दी है कि उसमें ये वाली गैसें, क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैसें ना निकलें, या कुछ ऐसे झाग वाले पदार्थ हैं। रासायनिक पदार्थ, इनसे भी ये सीएफसी गैसें निकलती हैं, तो ये जाती हैं और ये वायुमंडल की जो ओजोन परत वाली परत है उसको क्या करती हैं, नष्ट, तो वहाँ पर छेद हो जाते हैं। तो ये सूर्य से आने वाली परावैजनी किरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी में पेड़ पौधों जीवों इनके त्वचा शरीर में बीमारियाँ फैलाते हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार ओजोन परत पर ये रोक लगाई गई थी 1980 में। ओजोन परत में क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी, इसका कारण था क्लोरो फ्लोरो कार्बन सीएफसी। ये सब मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम रासायनिक पदार्थ हैं। रेफ्रिजरेटर और अग्निशामन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन 1987 में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका पूछ सकते हैं, इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसमें क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 1987 में बना था, तो उसने सीएफसी पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। और अब सीएफ जो फ्रिज वगैरह बनते हैं उसमें सीएफसी गैस नहीं निकलती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ओजोन परत को हम किस प्रकार बचा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन, हमारा पर्यावरण का जो दूसरा घटक है, जो जिससे मानव क्रियाकलाप के द्वारा दूसरी जो समस्या है वो कचरा प्रबंधन है। तो अब दैनिक जीवन में अपशिष्ट पदार्थ बहुत से उत्पन्न होते हैं। अब अपशिष्ट पदार्थ का भी प्रकार है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो उनका विघटन होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। आपने पढ़ा ना, पाचन, विभिन्न एंजाइम इनके द्वारा भोजन का पाचन होता है। कुछ एंजाइम से सभी भोजन का पदार्थों का पाचन नहीं करते हैं, एंजाइम्स भी विशिष्ट प्रकार के होते हैं। हर पाचन, हमारे हर पदार्थ को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु और दूसरे मृतोपजीवी द्वारा नहीं हो सकता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका आसानी से विघटन हो जाता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने हुए रहते हैं। तो इस प्रकार हम पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। बहुत सरल है, जैव निम्नीकरण मतलब जो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाएं और अपघटन के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं और कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं बनता है, उससे क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण। तो आप जैसे सब्जी के छिलके हैं और जंतुओं के मृत अवशेष हैं, भूसा है, ये सब कृषि और जंतु, आप जंगल में देखते हैं कितने जानवर मर जाते हैं और मर कर मिट्टी में मिल जाते हैं और धीरे धीरे कई वर्षों तक बिल्कुल उनका विघटन हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा आपको कि यहाँ पर किसी जीव की मृत्यु हुई थी। और तो ये हानि नहीं पहुँचाते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण। घरेलू अवशिष्ट आप समझ गए, जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, तो ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं, इनसे हमें कोई भी वातावरण में कोई भी नुकसान नहीं होता। कुछ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अजैव निम्नीकरण। उन्हें क्या बोलेंगे, ये जैव नहीं है, अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे विभिन्न कृषि रसायन, जैसे आप देखो डीडीटी पाउडर, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका हम छिड़काव पीड़क नाशक और कीटनाशक के रूप में करते हैं, तो ये मिट्टी में बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं और ये एक भोजन श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में आ जाते
जाते हैं, जो पानी में रहने वाले जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। पॉलीथिन का अभी आप देख रहे हो, 2-3 साल से पॉलीथिन पर रोक लगी हुई है। और कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक के जो फाइबर्स होते हैं, ये आसानी से गलते नहीं है, अपघटित नहीं होते हैं, इन्हें हम अजैव निम्नीकरण कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, जैव और अजैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हो, उदाहरण भी बताइए, और ओजोन परत का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अब आपका 10th में कुछ पोर्शन ये एमपी बोर्ड से हट गए हैं, जो कि पढ़ा दिए गए थे शुरू में। तो आप जब आप रिवीजन अब शुरू करेंगे, तो उस रिवीजन में हम आपको हर अध्याय का बताएंगे कि कौन से पार्ट में से क्या चीज़ हट गई है और क्या चीज़ सिलेबस में है। तो आप ध्यान से देखेंगे, जो आपने ज़्यादा पढ़ लिया है उसको आप छोड़ देंगे, और जो आना है उसको हर पार्ट का मैं लिखती जाऊंगी रिवीजन करते समय। आप ध्यान से आप रिवीजन करें। धन्यवाद।